नई दिल्ली असली या असली नहीं, सांता क्लॉज पूरे बच्चों की कल्पना को नियंत्रित करता है। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक शोध बाहर है और उस बहस का निपटान करने वाला है। एक नया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अनुसंधान ने यह खुलासा किया है कि लंबे समय से मानी जाने वाली हड्डियां सेंट निकोलस के थे, जिनके बाद सांता क्लॉज की आकृति विज्ञान आधारित है, वास्तव में सही ऐतिहासिक काल से तारीख में है। सेंट निकोलस के बारे में 16वीं शताब्दी की कहानियों में लोकप्रिय हो गया और पिता क्रिसमस की कथा पैदा हुई। सेंट निकोलस को मायरा एशिया माइनर में रहने का सोचा गया है, जो अब आधुनिक दिन तुर्की है। किंवदंतियों के अनुसार वह एक अमीर आदमी था जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। यह माना जाता है कि सेंट निकोलस ने सम्राट डायक्लेटियन द्वारा सताया है और जेल में मृत्यु हो गई है। इतालवी व्यापारियों के एक समूह ने अपने अवशेषों को दूर कर लिया और इसे बरड़ी तक ले जाया। बाल्टिलिका डी सैन निकोला बारी दक्षिणी पंगलिया में 1087 के बाद से सोने का एक बड़ा मकबरा है। वर्षों से दुनिया भर में विभिन्न चर्चों द्वारा अवशेष टुकड़े प्राप्त किए गए हैं। चूंकि अवशेष दुनिया भर में यात्रा कर चुके हैं, इसलिए इस बारे में प्रश्न है कि क्या अवशेष एक ही व्यक्ति के हैं। प्रोफेसर टॉम हाराम और डॉ जॉर्जेस कजान केबल कॉलेज के एडवांस्ड स्टडीज सेंटर में ऑक्सफोर्ड अवशेष समूह के निदेशक मॉर्टन में बेथानी चर्च में सेंट माथा ऑफ ऑल सेंट्स, श्राइन ऑफ ऑल सेंट्स, फादर डेनिस ओ निरेल के स्वामित्व वाले अवशेष का विश्लेषण किया। ग्रोव इलिनॉइस यूएसए। हड्डी के टुकड़े के एक सूक्ष्म नमूने पर रेडियो कार्बन डेटिंग 4th शताब्दी ईस्वी के अवशेष की आयु का पता चला। उसी समय कुछ इतिहासकारों का आरोप है कि सेंट निकोलस का निधन लगभग 343 ई परिणाम बताते